सिंगापुर को एक बार फिर भारतवंशी राष्ट्रपति मिला है। भारतीय मूल के पूर्व मंत्री थर्मन षणमुगा रत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। षणमुगा रत्नम सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बनेंगे। आज हम बात करेंगे थर्मन षणमुगारत्नम, जो कि इंडियन ओरिजिन से हैं, सिंगापुर में रहते हैं, एज इनकी 66 ईयर ओल्ड है और सिंगापुर में प्रेसिडेंट के वोट हुए और वोटिंग में वो जीत चुके हैं। ये इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं और सिंगापुर में इंडियन ओरिजिन से ये थर्ड प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। हमें अब इंडिया पहले हमें हमारा मजाक उड़ाता था, आज अफगान तालिबान हमारा मजाक उड़ाते हैं। यार हमारा तालिबान मजाक उड़ा रहे हैं और वो कह रहे ने पाए कि तुसी जनाब उठे ना जाए, जो लाज बड़े खराब ने, अग लगी और जहां पे चर्च जला रहे हो, जिंदा लोगों को जला रहे हो, वहां इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? ठीक है, अब इस तरह पाकिस्तानी जाकर दूसरी कंट्रीज में इस तरह की हरकतें करेंगे तो पाकिस्तान का इमेज मेरा नहीं ख्याल के बेहतर हो सकेगा कभी। कि ये जो हिंदू है, ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हर कंट्री से इंडियन उठ रहा है। आज यूट्यूब जिसमें मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, इसका सीईओ भी इंडियन है। ट्विटर जिसको पूरा पाकिस्तान चलाता है, उसका सीईओ भी इंडियन है। उसके साथ अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें, उसका सीईओ भी इंडियन है। हर जगह पे इंडियंस आ रहे हैं। वजह क्या है कि इंडियंस के अंदर एक वो बात वही आ जाती है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। बात ये है कि पाकिस्तान ने भी बड़ा नाम कमा लिया है बदनामी में, पहले दहशतगर्द। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा फिर से गिफ्ट मिल गया है। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि 2023 के बाद अब इंडिया ही पूरी दुनिया पर राज करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि सिंगापुर के नए राष्ट्रपति इंडियन ओरिजिन से एक व्यक्ति बनने जा रहे हैं, जिनका नाम है थर्मन षणमुगारत्नम, जो कि तमिल से ताल्लुक रखने वाले हैं। और दोस्तों इनका पूर्वज इंडियन है और इनका जन्म सिंगापुर में ही हुआ है, ऐसे माना जाए तो एक इंडियन ही है। और दोस्तों ये 66 वर्ष के हो चुके हैं। दोस्तों इनसे पहले और भी दो व्यक्ति बने हुए थे सिंगापुर के, कोई मंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, ऐसे करके। इतना ही नहीं दोस्तों, इनके बाद यूएस का भी राष्ट्रपति इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति बनने जा रहे हैं, और वहीं यूके का भी राष्ट्रपति इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले ही व्यक्ति बने हुए हैं। दोस्तों इनके राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानियों का रिएक्शन क्या होने वाला है। आज हम बात करेंगे थर्मन षणमुगारत्नम, जो कि इंडियन ओरिजिन से हैं, सिंगापुर में रहते हैं, एज इनकी 66 ईयर ओल्ड है और सिंगापुर में प्रेसिडेंट के वोट हुए और वोटिंग में वो जीत चुके हैं। ये इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं और सिंगापुर में इंडियन ओरिजिन से ये थर्ड प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। यहाँ पे इंडियंस ही क्यों आ रहे हैं? सिंगापुर में इंडियन, ब्रिटेन में इंडियन, अमेरिका में इंडियन, बड़ी बड़ी कंपनीज में इंडियन, आईटीज में इंडियन, हर जगह पे इंडियंस आ चुके हैं। मैम ये बात सच है कि हर जगह पे इंडियन हैं, लेकिन उसकी वजह ये है कि उनका मुल्क, उनके हुक्मरान, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? उनके जो बच्चे हैं वो तो पल रहे हैं ना, अपने मुल्क में खुशहाल हैं, वो आगे जाके निकलते हैं, उनको मौके दिए जाते हैं, मिलते हैं उनको मौके। क्यों? उनका मुल्क में तालीम है, उनका मुल्क तरक्की कर रहा है। जब हमारे मुल्क में ना तालीम, हमारा तालीमी निज़ाम ही करप्ट है, हमारा तालीमी निज़ाम ठीक नहीं है। बड़ों के बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, यूके में पढ़ेंगे, लंदन पढ़ेंगे, यहाँ के बच्चे पास नहीं होते, पैसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो क्या एडमिशन फीस इतनी, सेमेस्टर फीस इतनी, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा मुझे बताएं? और रिलीफ भी नहीं है, रिलीफ भी नहीं है, नहीं पढ़ सकता ना। उसने मैट्रिक किया, वो भी इतनी मुश्किल से मैट्रिक, बहुत मुश्किल से करता है गरीब का बच्चा, ठीक है। मैट्रिक के बाद जब वो जाएगा कॉलेज के अंदर, जाहिर सी बात है सेमेस्टर फीस लगेगी ना, कहाँ से देगा? जिनके पास एक टाइम के रोटी खाने के पैसे नहीं है, तो वो सेमेस्टर फीस कहाँ से पड़ेगा, भरेगा और कहाँ से पड़ेगा मुझे बताएं? बिल्कुल सही कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात कर लें, हमें कहते हैं इंडिया से दुश्मनी करो, बातचीत ना करो, उनसे लेन देन ना करो, उनको वीज़ा ना दो, हम उधर ना जाएं, जंगे पर जंगे करते रहो। दूसरी तरह हर जगह पे इंडियंस आ रहे हैं, ये पाकिस्तान पे कितना प्रेशर पड़ने वाला है, जरा ये बता दो। देखिए मैम, इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ जंग करवाने वाले ये हमारे हुक्मरान होते हैं। अच्छा, हम नहीं हैं। हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं उन, देखें अगर हम किसी मुल्क के साथ दोस्ताना रवैया रखेंगे, हमें उस मुल्क से फायदा होगा। बिल्कुल एग्री, हमें फायदा होगा, नुकसान कोई नहीं देता। ये तो सिर्फ बातें हैं ना कि जंगे करेंगे, ये कौन इंडिया के खिलाफ है? कोई इंडिया के खिलाफ नहीं है, इंडिया की आवाम भी इंडिया के खिलाफ नहीं है। लड़वाने वाले हैं तो हुक्मरान है, अगर कुछ करवाते हैं तो हुक्मरान ही।
दिमाग की कमी है। आज अगर हम खुद ठीक होते तो आज ये हाल भी ना होता। सही कह रहे हो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये हमारे अंदर तालीम की कमी है, इस सोच की कमी है, सोच ये। अब मुझे टोकड़ कर रहे हैं कि आप इंडिया के साथ मिल जाओ। भाई क्यों मिलें, ये बात नहीं है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। नेबरिंग कंट्री सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, दुश्मनी से नुकसान ही हो रहा है हमें। नुकसान तो होगा ना जब हम खुद स्टेबल नहीं है, पहले हम खुद अपने पाँव पे तो खड़े ना, फिर किसी के साथ। जब पल्ले ही कुछ ना हो, किसी को जाके मारोगे उसने उल्टे दो मारने हैं, ऐसी बात है ना। जब अपने पास पल्ले ही कुछ नहीं है तो उनके साथ लड़ेंगे क्यों? पहले खुद मेशत में आगे आओ, फिर जाके उनके साथ दूसरे मुकाबले भी कर लेना। पहले अपने पाकिस्तान को तो नंबर वन पे ला के दिखाओ ना, नंबर वन तो जहाँ रह गए उनसे मुल्क से तो आगे निकाल के दिखाओ। तो ये जज्बा तो लोगों में नहीं है, सोच की कमी है। जब हमारे अंदर सोच सही आएगी ना तो हमारा पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा। हुक्मरानों को लाने वाले हम होते हैं, वोट देने वाले हम, जलील होने वाले भी हम। क्यों? इस चीज़ की कमी है, सोच की कमी है। अगर हम सोच के समझ के वोट दें किसी अच्छे हुक्मरान का, हम इंतखाब करें, तो ये मुल्क में हालात नहीं आएंगे। और ये कहते हैं ना कि इमरान खान या वो चोर है, ये चोर है, चोर हैं, लेकिन मुझे आप ये बताएं उनको लाने वाले कौन है? हम हैं। उतारने वाला कौन होता है? उतारने वाला कोई और है, ऐसे ही है, और कौन है? मुझे बताएं ना इस चीज़ का, मैं आपसे सवाल करूँ कौन है? ज़ाहिर है आवाम के हाथ में तो कुछ नहीं है, ये सच है। हम कठपुतली हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्या कह रहे हो? आवाम के हाथ में ही सब कुछ है। क्या है आपके हाथ में? आवाम के हाथ में ही, आवाम ने हुक्मरान को बनाना है, आवाम ने हुक्मरान को गिराना है। ठीक है, फिर ये क्या किया मुल्क का बेड़ा गर्क कैसे किया? आप बात करेंगे, मुल्क का बेड़ा हमने थोड़ी गर्क किया, मुल्क का बेड़ा हुक्मरानों ने गर्क किया। ठीक है, हम तो अतमाद करते हैं, हम तो आप पे भी अतमाद कर रहे हैं। हर जगह पे इंडियंस आ रहे हैं, पाकिस्तानी क्यों नहीं आ रहे? कहाँ पे इंडियन आ रहे? वो सिंगापुर में भी प्रेसिडेंट सदर इंडियन बन गया, अमेरिका का भी जो सदर है इंडियन बनने जा रहा है, बर्तानिया का जो वजीर आजम है वो भी इंडिया। मैम उनको सपोर्ट है ना, वो उनका मुल्क उनके सपोर्ट करता है, हमें कौन सपोर्ट करता है? हम जरा सा आगे जाते हैं तो हमारे पैर काटने वाले आ जाते हैं, हम कहाँ से आगे जाएंगे? आप हमें बताएं, जब हमारे पैर खुद के काटे जाएंगे तो हम कहाँ से आगे जाएंगे? किसके साथ लड़े हम, ये आप हमें बताएं। जब तक हमारे, ये भाई ने बिल्कुल बात सही कही है कि जब तक हम खुद कायम नहीं होंगे हम किसी के साथ नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी तरक्की करे, हर जगह हमारा नाम भी। हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है लेकिन हमें सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, सपोर्ट की जरूरत है हमें। मैं आपको मुस्तरज बार बता देता हूँ, यहाँ पे मांगने वाले बहुत हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से देख के गुजर जाते हैं सभी, सपोर्ट कोई नहीं करता है। ठीक है, ये सियासत लोगों की है, सियासत के साथ आते हैं, पैसा है जिनके पास वो आगे आ जाता है। ठीक है, पैसे की खेल है। इंडियन कहते हैं हमने पाकिस्तानियों को 200 साल पीछे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ये हमारी खुद की कमी है तो छोड़ दिया है ना मैम। ठीक है, हमारा मुल्क कमजोर है, किन्होंने किया? हुक्मरानों ने किया, हमारी हुकूमत ने किया, हमारे लोगों ने किया है। ठीक है, हमारे लोग ठीक होंगे तो हमारा मुल्क सबसे स्ट्रॉन्ग है। बाहर से आवाम हमारे मुल्क में आ रही है, क्यों आ रही है? हमारा मुल्क स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब नहीं है ना, तो मैम हमने खुद ही बनाना है, किसी ने तो नहीं बनाना है। ये बड़ी अच्छी बात। दोस्तों आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान क्या सोचता हमारे हिंदुस्तान के बारे में, उससे कोई लेन देन नहीं, इससे कंपेयर करने से कुछ फायदा नहीं है। कंपेयर भी किया जाए तो अमेरिका से, यूके से, चाइना से, बड़े बड़े कंट्री से किया जाए। ये पाकिस्तान तो खुद ही बोला कि हिंदुस्तान हम लोगों से 200 साल 1000 साल आगे हो गया है। खैर जो भी हो, लेकिन हम बात करते हैं अपने देश के बारे में। पहले तो सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों में इंडिया का ही सीईओ थे, लेकिन अब नेता राजनेता भी इंडिया के हर एक देश में छा गए हैं। और दोस्तों जो राष्ट्रपति बने हुए हैं सिंगापुर का, ये भी हिंदू ही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ देख लीजिए, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन सभी बड़ी कंपनियों का सीईओ इंडिया का ही है। इतना ही नहीं दोस्तों, विश्व के सबसे बड़ी वैज्ञानिक संगठन नासा में भी इंडियन का ही सीईओ है और इंडियन काम भी कर रहे हैं। और दोस्तों ऐसे देखा जाए तो इंडियन ही अधिकांश देशों में छाए हुए हैं और विश्व के अधिकांश देशों को इंडियन ही चला रहे हैं। इंडियन वहाँ का लीडर्स हैं, इंडियन वहाँ का राष्ट्रपति हैं। अब दोस्तों ये देखा जाता है कि आने वाले समय में इंडिया कहाँ कहाँ छा जाता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और आपके लिए ऐसा ही मजेदार वीडियो लाते रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।